हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस फ्राइडे धमाका में। और जैसा कि हर बार कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ स्पेशल फ्राइडे में हम करें, और आज भी हम ऐसा ही कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। आपको जो मीटिंग इनवाइट्स आउटलुक में आते हैं, अगर आपको वो डिक्लाइन करने हों, अगर वो किसी ऐसी डेट के लिए आए हैं जिसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वो आउटलुक वीबीए में कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, मीटिंग इनवाइट जिन लोगों को नहीं पता कैसे भेजा जाता है, वैसे तो सबको पता ही होगा अगर आप प्रोफेशनल हैं, वर्किंग है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, मीटिंग इनवाइट बेसिकली आपका आउटलुक में यहाँ पे होता है ऑप्शन। वर्जन टू वर्जन ये ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, वैसे मैं 2016 यूज कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट होता है, ईमेल होता है, ईमेल नॉर्मल मैसेज के लिए, अपॉइंटमेंट अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट सेट करना हो, मीटिंग अगर आपको किसी को इन्वाइट करना हो। ठीक है, तो मीटिंग जैसे कि हम नॉर्मली कैसे करते हैं, जब आप न्यू मीटिंग में जाते हैं तो एक अलग तरह का आपके सामने पॉपअप आता है, उसी पर हम बात करते हैं। जैसे ये देखिए, आप ये नॉर्मल ईमेल नहीं है, इसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं कैलेंडर का, जैसे मैं देता हूँ सैटरडे कल का। ठीक है, सैटरडे 6:30 से 7 बजे का ऑल डे करना है, टाइम जोन, ये सब ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे। लोकेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पे जरूरी है, ऑप्शन नहीं है, जिन जिन स्टूडेंट जिन जिन एम्प्लॉयज को आपने इन्वाइट भेजना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जो भी आपको टाइटल देना हो। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि बिजनेस रिव्यू, तो हम इसमें बिजनेस रिव्यू के नाम से एक मीटिंग इनवाइट भेजेंगे। अभी मैंने आपके सामने ये ईमेल सेंड किया है और अपने ही आईडी से अपने आप को सेंड किया है, राइट। तो जाहिर सी बात है मेरे पास ये ईमेल आएगा, और मेरे पास ये किस तरीके से आएगा वो जरा एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो आपका जो मीटिंग इनवाइट है वो मैं आपको डिलीटेड आइटम के फोल्डर में लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मीटिंग इनवाइट्स हमेशा आपके डिलीट फोल्डर्स में चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिजनेस रिव्यू का आपके पास, और ये इसको खोल के देखते हैं, ये बिजनेस रिव्यू का जो मैंने अभी ईमेल जो मीटिंग ड्राफ्ट किया था वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, मीटिंग ऑर्गेनाइजर वगैरह सारा कुछ, और इसमें आप नो रिस्पांस रिक्वायर्ड जनरली होता है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, रिप्लाई जैसे अगर मुझे इस पर करना हो, और यहाँ से मैं जैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, चेंज रिस्पॉन्ड करना हो, एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो हम इसमें ये देखने जा रहे हैं कि अगर मैं इसे डिक्लाइन करना हो वीबीए के थ्रू तो कैसे हम डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग इन्वाइट डिलीट आइटम्स में ही आपको जाके मिलेंगे, इनबॉक्स में नहीं आते हैं। अगर आप अपने कैलेंडर में जाके यहाँ पे देखें, ये कैलेंडर आपका आइकन जो है, अगर आप लोग कैलेंडर में जाएं तो ये आपको आप देख सकते हैं अपने आप, अगर कोई आपको ये भेजेगा तो ये आपके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिजनेस रिव्यू जो मैंने अभी भेजा था 29 तारीख का, यानी कल की डेट का। ठीक है, सो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मीटिंग इन्वाइट एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं सैटरडे को काम नहीं कर रहा हूँ या कोई भी दिन, तो वो मीटिंग इनवाइट का रिवर्ट जाना चाहिए। ठीक है, और आपके कैलेंडर में भी वो अपडेट नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो गाइज कोड तैयार है, छोटा सा कोड है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझना होगा बेसिकली, क्योंकि हम ये कोड आउटलुक में लिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आया था, जो ये स्टूडेंट है यूरोप से, इन्होंने कहा था कि ये आउटलुक पे इसे कोड को करना चाहते हैं, बिकॉज कोई भी जब ईमेल आती है तो उस फ्रेश ईमेल पर हमें ये कोड ऑटोमेटिकली रन करना होगा। तो एक्सेल में अगर आप ये कोड बनाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको स्पेशली ये बार बार रन करना पड़ेगा। आउटलुक में क्या होगा, हमें आउटलुक की विजुअल बेसिक में जब जाएंगे, वहाँ पे मैंने पहले भी आउटलुक वीबी के ऊपर वीडियोस डाले हैं, लेकिन शायद ये पहला वीडियो होगा हिंदी में या दूसरा। ये गाइज दिस आउटलुक सेशन में आप जाएंगे, जैसे एक्सेल में दिस वर्कबुक का विंडो होता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं आउटलुक के, जिसमें एक इवेंट होता है एप्लीकेशन अंडरस्कोर न्यू ईमेल एक्स का। ठीक है, ये मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे हमारा ये कोड होगा। ठीक है, कोड तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके पास ये इवेंट्स कुछ ड्रॉपडाउन में आ जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं आइटम सेंड, ये यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल वीबी की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ रहा होगा। इवेंट्स आउटलुक के भी अपने इवेंट्स हैं, तो लेकिन हमें इवेंट चलाना है कि जब भी कोई मेल आए अपने आप ये रन हो जाए। इवेंट्स का मतलब होता है ऑटो रन जो होते हैं, जो मैक्रोस खुद कंडीशन पे रन हो जाते हैं, राइट। तो इसमें आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे न्यू मेल एक्स। ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ पे दो मिलेंगे, एक न्यू मेल, एक न्यू मेल ई एक्स। तो आपको न्यू ईमेल एक्स करना है, क्योंकि उसमें वो कोड नहीं चलेगा, न्यू मेल में कोड नहीं चलेगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। ठीक है,
गाइस ये जो कोड होता है ना, ये कोड हमेशा तब रन होता है जब आपके पास कोई भी फ्रेश ईमेल आए, ठीक है। कोई भी ईमेल आपके पास है, जैसे मैं इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्रेक कोड डालता हूँ और हम इसमें दोबारा से मेल करते हैं सेंड, मेल मीटिंग जो भी आपको सेंड करना है आप करें। और मैं यहाँ पे फटाफट से रिक्वायर्ड में कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। और लेट्स से हम इसका टाइम 10 बजे का कर देते हैं और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, सेंड एनीवे, ठीक है। अब जब भी ये ईमेल आएगा ऑब्वियसली डिलीट आइटम में जाएगा, लेकिन ईमेल तो आपके पास अराइव हो रहा है सर्वर के थ्रू, तो जो बैकग्राउंड में इवेंट आपने लिखा है वो फायर हो जाएगा, मतलब वो रन हो जाएगा, ठीक है। उस पर ब्रेक कोड इसलिए डाला है, देखा आपने, ये देखिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन जब ब्रेक कोड हटा देंगे तो यूजर को नहीं पता लगेगा। तो गाइस जब आप इसको रन करेंगे, ठीक है, डिलीट में आपने देखा होगा 28 से 29 हो गया। हर एक ईमेल आईडी का एक एंट्री आईडी होता है, ये इसको हर ईमेल के लिए एक यूनिक आईडी होता है, इस यूनिक आईडी पे ही पूरी की पूरी कहानी आगे चलेगी, ठीक है। क्योंकि हम इस आईडी से ही मीटिंग आईडी कैप्चर करेंगे और मीटिंग आईडी से अपॉइंटमेंट कैप्चर करेंगे और उस अपॉइंटमेंट को डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, मैंने वैसे तो आउटलुक के ऊपर 50-60 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है आप देख सकते हैं, एक्सेल वीबी कनेक्टिंग आउटलुक विद एक्सेल वीबी की एक सीरीज चलाई थी 2-3 साल पहले। तो कुछ ना आपके पास क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है। क्लासेस का मतलब होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपके डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि फूल जैसे किसी भी आप लैंग्वेज में जब जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होती है। जैसे आउटलुक में आपके फोल्डर्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ईमेल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, मीटिंग्स ऑब्जेक्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। पूरे का पूरा ही जो वीबी है वो ऑब्जेक्ट्स पे डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स पे मतलब रन किया जाता है। तो बस आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, अगर आप मीटिंग इन्वाइट भेज रहे हैं, ठीक है, तो मीटिंग इन्वाइट अगर आप भेज रहे हैं तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। हर एक मीटिंग इन्वाइट में एक अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट मीटिंग आईडी से मतलब डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और वीबी के थ्रू आप अपॉइंटमेंट सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग इनवाइट्स आप वीबी के थ्रू नहीं सेट कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब अपॉइंटमेंट अगर आप सेट करते हैं तो जैसे ही वो अपॉइंटमेंट आप वीबी के थ्रू सेट करते हैं, सर्वर में जाते हैं, ऑटोमेटिकली मीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। मैं अभी समझाऊंगा आपको, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका एक आउटलुक एप्लीकेशन होता है, उस आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास बहुत चीजें आती हैं। आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर जैसे अगर हमें ईमेल्स के साथ डिस्कस करना हो तो हमारे पास एक क्लास होती है मेल आइटम, उसके बाद हमें आउटलुक में जो हमारे बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, डिलीट, ये जो सेंट फोल्डर्स हैं बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर्स हैं, इनके लिए हमारे पास ये सारे डिफाइन होते हैं नेम स्पेस पे, ठीक है। तो उसी तरीके से आज जो हम बात करेंगे क्लासेस की, वो हम बात करेंगे कि मीटिंग्स के लिए और अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या क्या क्लासेस हैं, क्योंकि हम मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम चलते हैं इस कोड पे और मैं आपको एक कोड समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत छोटा सा कोड है। ये देखिए, ये आपका कोड है, बस इतना सा ही कोड है ये, ठीक है। और ये मैंने टेस्ट किया था और यहाँ पे भी हम टेस्ट कर देंगे। मैं इसके फिलहाल यहाँ से कॉमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली ये आपका कोड तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हमने आउटलुक का मीटिंग आइटम ये हमने डिफाइन किया है एज ओएम, ठीक है। ओएम का मतलब ये है कि ओएम ही मेरा वो मीटिंग ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। अपॉइंटमेंट आइटम के लिए हमने कर दिया ओए, ठीक है। सो बेसिकली अपॉइंट, अगर आपको नॉर्मल ईमेल में बात करनी हो तो आप उसके लिए कर सकते हैं आउटलुक डॉट मेल आइटम, जैसे मैंने आपको बताया था, पर ये नॉर्मल ईमेल नहीं है। अगर मुझे ईमेल भेजना होता तो मेल आइटम क्लास में यूज कर लेता, ये तो मीटिंग कैलेंडर है। सो मीटिंग के लिए आप मीटिंग आइटम यूज करेंगे, फिर मीटिंग आइटम से अपॉइंटमेंट आइटम निकलेगा, ठीक है, तो वो अपॉइंटमेंट आइटम, इसलिए हमने दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ओएम और ओए के नाम से क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें डे कैप्चर करना है कि वो मीटिंग आइटम किस डेट को आ रहा है, किस डेट के लिए मीटिंग आ रही है, तो उसके लिए माई डे नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इससे हम ये चेक कर लेंगे कि ये अगर लेट्स से फ्राइडे को पड़ता है यानी आज, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑन एयर रिज्यूम नेक्स्ट लिखा है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सो ये लाइन है आपके मतलब की, ठीक है। जो भी ईमेल आपका यहाँ से एंट्री आईडी निकल के आएगा वो आप अपने मीटिंग आइटम में डिफाइन कर देंगे कि ये मेरा बेसिकली जो आईडी आपको कैप्चर होके मिल रहा है वो आईडी आप इस ओएम को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इसको दे देंगे। तो नेचुरली
उस ईमेल का मीटिंग जो है वो इस ओएम में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो मीटिंग आ रहा है अभी अभी जो आया है फ्रेश, जिस पे ये मैक्रो रन होगा, इवेंट रन होगा, हम वो इसमें पास कर देंगे। तो आउटलुक एप्लीकेशन के सेशन में गेट आइटम फ्रॉम आईडी, दैट एंट्री आईडी कलेक्शन जो यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्या वो जो एंट्री आईडी है, क्योंकि हमें नहीं पता वो नॉर्मल ईमेल है, वो कोई मीटिंग कैलेंडर है या वो क्या है, राइट? हमें नहीं पता, तो यही तो चेक करना है हमें कि, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई ईमेल है फिर हमें ये कोड नहीं रन करना है। इसीलिए आप इसमें ये देख रहे हैं कि हमने ओएम की क्लास फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ओएल मीटिंग रिक्वेस्ट, अगर वो क्लास मीटिंग है, इसको टेक्निकल वीबीए के वर्ड्स में ओएल मीटिंग बोला जाता है, तो हमें क्या करना है, उसकी अपॉइंटमेंट फॉल्स कर देनी है उस मेल की, और ये आपका आउटलुक अपॉइंटमेंट में जाएगा। तो जो आपकी आउटलुक मीटिंग है आपकी, जो जो आपने अभी अभी उसका अपॉइंटमेंट जो हम इसमें लेंगे इसके थ्रू, ये जो आपका ओएम है उसको हम फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद माई डे जो हमारा वेरिएबल है, उस अपॉइंटमेंट का जो स्टार्ट, मतलब जब जिस दिन के लिए वो भेजी है, वो यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। फॉर्मेट फंक्शन से हमें जो मीटिंग इनवाइट भेजा है उसका डे पता लग जाएगा, और उसके बाद बस रिस्पॉन्ड करेंगे, अपॉइंटमेंट में डिक्लाइन कर देंगे। आप सब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, आई डू नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज जैसे सपोज, वो आपको देखना है। ठीक है, और बाद में वो ओए डॉट सेंड, ये ओए मैंने बता दिया आपको, ओए मीन्स आउटलुक अपॉइंटमेंट, हमने खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ओए मीन्स मीटिंग आईडी, तो मीटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट कैप्चर होता है। ठीक है, सो अब इसको हम फटाफट से रन करते हैं, अब आपको कहानी इसकी समझ आएगी, और मैं इस पे ब्रेक को डालता हूँ, ब्रेक को डला ही हुआ है। तो चलिए फटाफट से मीटिंग एक इनवाइट भेजते हैं, आज का ही भेजते हैं। ठीक है, मीटिंग इनवाइट मैं भेजता हूँ, और लेट्स से माय टेस्टिंग, या हम इसका नाम दे देते हैं फ्राइडे स्पेशल रिक्वायर्ड, मेरा ही आईडी है, और इस पे टाइम मैं दे देता हूँ 8 बजे से 8:30 का। लोकेशन आपने देनी है, आप दे सकते हैं यहाँ से, जो भी लोकेशन सर्च करनी है जो भी वो आपको देखना है। ठीक है, मैं उस समय नहीं जाऊँगा, लेट्स टू बी डिसाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, डिसाइड नहीं, बाद में देख लेंगे। सेंड करते हैं गाइस। अब एज यूजुअल आपका कोड फायर होगा और उसका एक आईडी जनरेट होगा, हर ईमेल का एंट्री आईडी जनरेट होता है, आप लोग खुद करता है। ठीक है, सर्वर से जब ये ईमेल आपको आएगी तो उसमें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फायर हो गया, और इसके बाद अब हम जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आईडी आ चुका है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाएं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अपना जो मीटिंग है वो मीटिंग इस आईडी के थ्रू कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये आईडी किसका है, फ्रेश ईमेल का। ठीक है, सो हमने कहा कि गेट आइटम फ्रॉम आईडी मेथड यूज कर लिया, और ये पूरा का पूरा आईडी यहाँ से जो खुद एंट्री आईडी बन के आया है उसे कैप्चर हो जाएगा। इससे हमें एक्चुअली ओएम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब वीबीए को पता लग जाएगा कि मुझे अब किस पे काम करना है, वो जो मेल आई है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब उस मेल का क्लास जो है वो 53 है, 53 मतलब मीटिंग रिक्वेस्ट, हर एक इस टाइप के हमारे पास मीटिंग रिक्वेस्ट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, नॉर्मल ईमेल हो गया, आप गूगल कर सकते हैं, सबके नंबर्स होते हैं, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी से अवेलेबल है। ठीक है, सो ये बेसिकली आप ऐसे लिखते हैं आउटलुक जो मीटिंग है क्लास, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे ओएल मीटिंग रिक्वेस्ट, अपॉइंटमेंट वगैरह है या नॉर्मल ईमेल है वो भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली अलग सिंटेक्स होगा, वीबीए में गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये मीटिंग रिक्वेस्ट भी 53 आ रहा है, और मेरे पास ये भी 53 आ रहा है, राइट? क्योंकि भाई जो ईमेल आया है वो मीटिंग कैलेंडर ही है, तो मीटिंग रिक्वेस्ट यानी ट्रू हो गया। सो अगर ये ट्रू हो गया सो नेचुरली हम इसमें नीचे आएंगे। अब जो आपकी अपॉइंटमेंट है ये वाली, आप इस अपॉइंटमेंट को अब यहाँ से आप इसका बेसिकली जो आपकी मीटिंग है उसका एसोसिएट अपॉइंटमेंट फॉल्स करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखना है आपने, और इसके बाद क्योंकि अपॉइंटमेंट ही मीटिंग से निकल के आता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, हायरार्की वाइज अब आपका डेट आ गया, आपने देखा 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, फैंटास्टिक, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये डॉट स्टार्ट इसका प्रॉपर्टी है अपॉइंटमेंट का, ये आपको वीबे में इनबिल्ट फीचर मिला हुआ है। तो अब ये तो पूरा डेट और टाइम है, मुझे इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, मुझे इसमें से सिर्फ आज का डे चाहिए, क्योंकि मैं डे के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो डबल डी इसलिए लगाया हुआ है, आप लोग एक्सेल में अगर
या बीबीए में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन यूज होता है और बीबीए में फॉर्मेट, ठीक है। फंक्शन सीरीज में मैंने ये सारे फंक्शन कवर किए हुए हैं। अब ये आपके पास फ्राइडे निकल के आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा, अगर आप 3 बार डी लिखते तो ये एफ आर आई आता। तो बस गाइस यहाँ पे यही हमने करना है कि अगर ये हमारा माई डे फ्राइडे निकल के आता है जो कि आ गया, तो ये दिन में आ जाएगा। अगर ये फ्राइडे नहीं होता तो वो एल्स में चला जाता और कुछ नहीं करता, ठीक है। सो बस अब हम इसमें रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, तो ये आउटलुक अपॉइंटमेंट डॉट रिस्पॉन्ड मीटिंग डिक्लाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जब अलग अलग फॉर्म्स है, मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। एक्चुअल में आप लिखेंगे आउटलुक अपॉइंटमेंट और इसमें रिस्पॉन्ड जो है आपका डॉट डॉट मीटिंग स्पेस डालेंगे और स्पेस डालने के बाद एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, टेंटेटिव देना है, ठीक है। तो हम डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लाइन करने के बाद यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्लाइन एक्चुअल डिक्लाइन करना है, ट्रू मैंने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, ट्रू अगर हटा देंगे तो क्या होगा, बट आई थिंक बिना ट्रू भी चल जाएगा। सो ये है, ये लाइन हमने ट्रू, ये वाली लाइन टाइपो एरर है, आप इसको छोड़ दें, तो डिक्लाइन हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट में हमने लिख दिया आई डू नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज, ठीक है। और उसके बाद ओ डॉट सेंड कर दिया आपने, ठीक है। सेंड मतलब वो चला जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास डिस्प्ले भी है, अगर आपको टेस्टिंग करना हो तो आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप एक बार डिस्प्ले कर लें और उसके बाद जब चल पड़ता है तो सेंड कर लें, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको, मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, और ये रिप्लाई हमने सेंड कर दिया है, और रिप्लाई में जैसे ही सेंड कर दिया है मैं इसको फटाफट से कोड को फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब वो रिप्लाई जो आपने भेजा है वो आपको आउटलुक में दिखना चाहिए, और ये देखिए फैंटास्टिक गाइस। अब यहीं पे गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो ध्यान से। सबसे पहले तो आपका रिप्लाई चला गया, अब ये एफ आई पे इतनी जल्दी होगा कि अभी तो हम एफ एट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई डू नॉट वर्क का सब्जेक्ट पे चला गया, ठीक है। अगर आपको बॉडी में लिखना है तो आप डॉट बॉडी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा एक चीज क्या हुई, क्योंकि आपने किसी को रिप्लाई किया, ठीक है, तो आपने जब किसी को रिप्लाई किया तो ऑब्वियसली ईमेल चलेगी आपके एंड से। मेरे केस में क्या हो रहा है, मेरे केस में ये हो रहा है कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ जैसे आपको दिखाने के लिए, तो मैं अपने आप को ईमेल भेज रहा हूँ, तो ये रिप्लाई भी जो डिक्लाइन का आया है ये मुझे ही आया है, ठीक है। आई डू नॉट वर्क जो ये, अगर आप इसको ओपन करके देखें ये वाला, तो ये बेसिकली मुझे ही वापस आया है, राइट। सो मुझे वापस आने की वजह से क्या हुआ कि ये आपका इवेंट दोबारा फायर हो गया, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि दोबारा फायर इसलिए होगा बिकॉज रिप्लाई आया, तो उस रिप्लाई को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने रिप्लाई सेंट इक्वल्स टू 1 किया हुआ है, ठीक है। ये 1 मैंने इसलिए किया था, एक नॉर्मल वेरिएबल बना लिया और उसकी वैल्यू 1 कर दी, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम ये रिप्लाई मेरे पास जब आएगा और वो रिप्लाई आते ही ये इवेंट दोबारा फायर हो जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे हम एक टेस्ट लगा लें कि अगर रिप्लाई सेंट 1 है तो ये आगे ना जाए, ठीक है, और इसको 0 कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई फ्रेश ईमेल आए तो उसके लिए रिप्लाई सेंट 0 हो, नहीं तो ये यहाँ से आगे जाएगा ही। सो ये आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये उसके इसमें आपने लिखना है गाइस जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं अपने आईडी के, नहीं तो क्या होगा, ये लूप चलता जाएगा बार बार और आपको डिक्लाइन आता जाएगा, हर बार डिक्लाइन आएगा और उस पर ईमेल फायर होता जाएगा, इवेंट फायर होता रहेगा। तो बस उससे सॉर्ट आउट होने के लिए हमने स्मार्टली एक वेरिएबल बना लिया रिप्लाई सेंट का, और हमने बोल दिया कि जब फर्स्ट टाइम ईमेल आएगी तो रिप्लाई सेंट ऑब्वियसली 0 होगा, राइट। जब यहाँ से एक बार सेंड होगी उसको 1 कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब डिक्लाइन जाता है किसी को, मुझे वापस आता है डिक्लाइन, तो ये दोबारा से आपका टेस्टिंग पे एग्जिट कर जाएगा, आगे जाएगा नहीं, लेकिन एग्जिट करने से पहले रिप्लाई सेंट को 0 जरूर कर देगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब फ्रेश कोई और मीटिंग इनवाइट आता है तो ये रिप्लाई सेंट आपका 0 होना चाहिए, नहीं तो ये यहीं पे एग्जिट होता रहेगा। तो ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो अभी आप इसको, मैं इसको कैलेंडर में देखता हूँ, तो ये तो एक तो रिप्लाई चला गया आपको, ठीक है, आई डू नॉट वर्क ऑन जो भी है फ्राइडेज, तो एटलीस्ट यूजर को आपके पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये है कि जो आपका कैलेंडर है, अगर आप कैलेंडर में भी जाके देखें तो कैलेंडर में भी यहाँ पे मतलब जब आपने ये रिप्लाई देखा आपने 8 बजे का, ये ऊपर वाले भूल जाए आप, ये कुछ और है, ये देखिए 8 बजे का, 8 बजे का हमने सेट किया था, यहाँ पे भी एक्चुअली आपको जो आपने भेजा होगा वो यहाँ पे अपडेट हो चुका होगा, मतलब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में रिप्लाई जा चुका है, ठीक है।
इस तरीके से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसी पे आपको टेस्टिंग के लिए मीटिंग इनवाइट कल का भेजता हूँ, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि टेस्टिंग गोइंग ऑन, और अब मैं इसको कल का भेजता हूँ, तो कल का अगर ये भेजा जाए यानी 29 तारीख का, तो ये डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम इसको सेंड कर देते हैं और मैं वीडियो पॉज करता हूँ इतने में ईमेल फ्रेश हो, और फिर देखते हैं कि कैसे होगा। तो लीजिए वीडियो आपका ये हो गया फ्रेश, डिलीट आइटम में चला गया है वो। आप ये भी अपना ही एंट्री आईडी कोई कलेक्शन होगा इसका, वो हम चेक कर लेते हैं क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। और ये रिप्लाई सेंट आपने देखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ईमेल आ रहा है तो ये 0 है, इसलिए आगे बढ़ गया। और ये भी मीटिंग रिक्वेस्ट ही है, तो आप अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये जो डेट है आपकी ये 30th है, ठीक है, 29th है, यानी कल, यानी शनिवार, सैटरडे। तो इसका जो डे आएगा वो बेसिकली आपका क्लैश कर जाएगा, ठीक है। तो अगर सैटरडे है तो आपको फ्राइडे है, तो इस केस में क्या होगा, आप एल्स में आ जाएंगे, ये देखिए, और ये नॉर्मली ईमेल जाके खत्म हो जाएगा, कोई रिवर्ट नहीं किया। और आपका कैलेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलेंडर में वहां पे वो जाके अपडेट हो गया होगा, ये देखिए, टेस्टिंग गोइंग वाला, ठीक है, फाइन, आपको समझ आ गया। अब लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और डिलीट में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मीटिंग इनवाइट जो है आपका है, यहाँ पे वो दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। सो गाइस, अब एक नॉर्मल ईमेल अगर आता है आपके पास, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं एक नॉर्मल ईमेल करता हूँ, सपोज मैं अपने आप को ही ऑब्वियसली, और मैं इसमें लिखता हूँ धमाका गोइंग ऑन, ठीक, और सेंड करते हैं इसको, और दोबारा से एक बार देखते हैं, एक और फ्रेश ईमेल आएगा, इस बार आपके इनबॉक्स में आएगा क्योंकि मीटिंग इनवाइट नहीं है। तो लीजिए, इवेंट फायर हो गया। आप देखते हैं इसमें, अभी नॉर्मल ईमेल है, ठीक है। सो आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलें, ठीक है, ये हम आगे बढ़े, ठीक है। अब ये जो क्लास है, लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसका नंबर जो था 53 था, ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये आपका एक नॉर्मल ईमेल है और इसके लिए मीटिंग आइटम आप यूज नहीं कर सकते क्लास, इसके लिए हमारा मेल आइटम क्लास यूज होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप ऐसे आउटलुक डॉट मेल आइटम से जो है आउटलुक मेल आइटम जो हमारे पास एक क्लास होती है, जैसे हम लोग टीम मेल आइटम ये वाली, ठीक है। तो ये मेल आइटम क्लास नॉर्मल ईमेल्स के लिए यूज होती है। तो क्या होगा कि जब आप इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे ये जब इसका एसोसिएट आईडी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे डे जो है वो ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, डे, क्योंकि बेसिकली ये कुछ है ही नहीं, ये आप देख सकते हैं इसमें वो बता रहा है कि वेरिएबल नॉट सेट, ठीक है। सो इस केस में जब हम ये पूरे का पूरा कोड जब चलेगा ऐसे एंड इफ करके, जस्ट इन केस ये करते हुए अगर कोई एरर आ जाए, ठीक है, वैसे तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, बट इन केस कोई एरर आ जाए तो उसके लिए मैंने एक्चुअली ऑन एरर यूनिक्स डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली ये पूरी टेस्टिंग के बाद आप देख लें, अगर एरर नहीं आता है इसकी जरूरत भी नहीं होगी, बट इससे एटलीस्ट ये श्योर हो जाएगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट एक वीपी का एरर हैंडलर होता है, ये क्या करेगा, अगर कोई भी आपका प्रोग्राम में एरर आता है तो ये इसको कोड को रोकेगा नहीं और कोड आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है कि अगर नॉर्मल ईमेल के केस में अगर ये उसे एक्सेस नहीं कर पाया और कोई एरर दे रहा है, तो एटलीस्ट हमारा कोड इसमें फंसे ना, नहीं तो यूजर परेशान हो जाएगा कि यार ये आउटपुट मेरा शायद खराब हो गया और वो आईटी टीम को बुला लेगा, राइट। तो गाइज ये सब चीजें हैं, इस तरीके से अब आप अपना इसमें सेट कर सकते हैं और कंडीशन लगा लें, अगर आप 2 दिन काम नहीं करते हैं वो आपको देखना है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कोड पसंद आया होगा फ्राइडे स्पेशल में, और इसी तरह चैनल से बने रहें, प्यार करते रहें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स डालते रहें। मैं मिलता हूँ गाइज आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, बाय।